नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा तुमचं स्वागत करतो माझ्या आजच्या नवीन ब्लॉगमध्ये। आज आम्ही चाललो आहे मनालीला। तारीख आजची काय 3 तारीख सकाळचं सांगायचं झालं तर सकाळपासून आम्ही 9 उठलो, 9 बॅग भरली, सकाळी घाईघाईतच भरली बिकॉज कन्फर्म नव्हतं जायचं, जाऊ का नाही ते पण माहीत नव्हतं, तिकीटं काढून ठेवलेली। आमची ट्रेन होती 11:25 मुंबई सेंट्रलवरनं, तर जाता आता आम्हाला ट्रॅफिक जास्त लागली तर 12 ट्रेन बोरिवलीला पोचणार होती, तर सो आम्ही डायरेक्ट बोरिवलीला आलो। येताना तिथं पण ट्रॅफिक होती, सो त्याच्यात काही घाई घाई येत आहे तर काही शूट पण करता नाही आलं, डायरेक्ट मग ट्रेनमध्ये जेवण शूट करतो आहे। सो डायरेक्ट जेवण वगैरे करूनच हा ब्लॉग ब्लॉगची सुरुवात केलेली आहे। हॅलो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ अभी जस्ट स्टार्ट किया है ना, इसलिए ये पूरा समूह लग रहा है। एक फोटो मैंने नीचे रखा और ये किया मैं ना पापा अपने पास। मम्मी देखना क्या बोल रहे हैं, आपको घर छोड़ के गोवा जाएंगे घूमने। उसको पूछो अमायरा पापा कहाँ जाएंगे जाते ही। पापा ने कहाँ जाना है? पापा तो आपको बोल रहे गोवा जाएंगे। ऐसे एवढी शी पण बसून डोक्यावर राहिली ती, और ही बोलते ती पहिल्यापासून, तिचा पण आई गाईजच चालले, ती पण ब्लॉगर वाटत नाही, त्यांचा दादा ब्लॉगर आहे ना म्हणून ती ब्लॉगर सारखी आहे। हाय गाईज बाय गाईज तवरीत करीत बसले ती कौशल। आता मिनी कॅमेरा घेतला तर लाजली पोर। अरु हे अरु ये देख, अरु सांची के पास क्या चुईंग। आरो आल्सो ब्लॉगर, आरो पण ब्लॉगर है ना, आरो तो ब्लॉगर है ना। नहीं हाँ नहीं हाँ नहीं, हमें पता है आप ब्लॉगर है, आप ब्लॉगिंग करते हो। आरो वाले का तो एक दिन क्या है। आरो ला माझे पेक्षा चांगली ब्लॉगिंग करते ना। आरो आपको मेरे से अच्छी ब्लॉगिंग आती है ना, आप कब से ब्लॉगिंग कर रहे थे ना। कब से नहीं, आज ही शुरू किया आपने केवस कैसे कहते हैं आप समुंदर में? ये तो जंप मारी मैंने बड़ी सी जंप मारी बोट से गए थे ना आप एलिफेंटा केव्स देखने। एलिफेंटा केव्स देखने गए थे, वहाँ पे बोटे नहीं थे, वो शार्क वाला एलिफेंटा। शार्क पानी में आपने मछली देखी? हाँ, उसमें ना मछली थी ना गंदा नहीं था वो, ना मछलियाँ थी ना शार्क थी, बस टर्टल थे। बस टर्टल ही थे खाली समुंदर में, सिर्फ टर्टल ही थे। आपको मच्छी नहीं दिखी? एक मच्छी छोटा था, झूठ मत बोल। झूठ आता बसून बसून कधी आता गडले तरीला तिकडे 9 आता जस्ट जेवले, जेवून आता झोपतोय, आता रात्र झाली, आता थोडासा झोपून घेतो सकाळी। हेलो गाइस, अभी हमने सुबह सुबह चाय पी है। हेलो गाइस गुड मॉर्निंग, अभी अभी हमने चाय पी है, फ्रेश होके अपने दांत घसे ना, ब्रश किया ना, फिर बाद में करते हमने पहले टीथ ब्रश किया फिर चाय पी। आप आरू ने चाय के बाद कोल्ड ड्रिंक भी पी ली क्योंकि उसकी टंग जल गई थी, गरम लग गया था उसको मुंह में, तो उसने चाय के बाद तुरंत कोल्ड ड्रिंक पी ली। बनाऊंगी, फिर खेलूंगी,
ऐसे घूम के गए, अभी हम आपके यहाँ घूमने आएंगे। आइसक्रीम भी खाई थी रात में। कहाँ पे आइसक्रीम खाई आपने? मैंने जहाँ पे बस चौपाटी चौपाटी जो चौपाटी गए थे ना, मैं बोला दूसरे वाले चौपाटी वहाँ भी गए थे, वहाँ पे मैंने बर्फ का गोला खाया। हाँ, गिरगांव चौपाटी ना, वहाँ पे बर्फ का गोला खाया, वहाँ बर्फ के गोले पे पिंक कलर था तो मैं वो खाया। आपको पिंक कलर पसंद है? हाँ, क्योंकि मेरा बचपन से ही फेवरेट है। जस्ट गर्ल थिंग्स एकटा ट्रॅव्हल करता करता या दोघी भेटले, जाम बोलतन या नाही म्हणजे लय बोलतात दोघी पण बडी भेट। काय अरु विच काय डू यू हॅव? वो देखो काय ते पेर पे अरु, वो देखो वहां पे काय ते पेर पे वो देखो। हां अरु, व्हाय आर यू ब्लेशिंग? वो देख काय काय उडा रहा है। बाहर कोई तो काइट उड़ा रहा है ना, पतंग उड़ा रहा है। और माझ्या सोबत आरुण ने पण ब्लॉग बनवले आहेत। हॅलो हॅलो, हम आपण ब्लॉग करा कुछ वालों को मैं अपने ब्लॉग करा परी लाइफस्टाइल का परी लाइफस्टाइल नहीं हमारा लाइफस्टाइल। आरु आरु, आपको पतंग उड़ाने आती है? हाँ। कैसे उड़ाते? वो देख झूले। अभी हमारा स्टेशन आएगा, हम लोग उतर जाएंगे आरु, फिर हमारे बाद आप उतर जाओगे। नहीं, वो देख पेड़ पे काटे, वो एक ना पेड़ पे काटे हैं। एक ही घर में रहते हैं तो इसकी तरह क्यों नहीं है सभी के अलग अलग क्यों? आवाज 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 तो बोल रही है। एवरीवन हैज डिफरेंट वॉइस ना। ये जगह जहाँ पे पेड़ है, हाँ। घर नहीं है बट लोग कहाँ रहते हैं? आमचा अख्खा ग्रुप बॅगा घेऊन निघले, अख्ख्यांच्या बॅगांचाच आवाज येतो इथल्या निघल्या होत्या। असती रे भाई साईडला दे, आपली बस ही आपली पब्लिक। कसं चालू व्हिडिओ? मग चालू ना, त्या बंद थोडी केलं। अनिलला ओळखत सर, आपण केदारनाथला पहिल्यांदा ब्लॉगची सुरुवात केली अनिलच्या सोबत। आपली बस तिकडे लावली, इथं आपण नाश्ता करायला थांबलो, पासून काही खाल्ला नाही सकाळी, फक्त चहा आणि कॉफी पिलते, दुसरा सकाळपासून काही खाल्ला नाही। आता इथं चाप खायचे, चाप घेऊ। याच्या पुढे आपल्याला पूर्ण पहाडी रस्ता भेटेल, म्हणजे आता याच्या पुढे गाठ लागेल आपल्याला। आता चंदीगड वरून शिमलाला जायला हा रस्ता आहे, याच्या पुढे पूर्ण डोंगरच लागते जायला। वगैरे करून झालंय, आता डायरेक्ट भेटू आपण शिमलाला। आपल्याला जोडीला गौरवचे मित्र भेटलेले आहेत खानवालचे, आपले करूनचे देते सर्व। गौरव तुला हे मिस करतात ना, तू त्यांना शिवा देतात कारण की त्यांना संगला नाही ना रे। साला निघलेलो रातचे 9 आम्ही शिमलाला पोचलो, अंबालावरून शिमलाला 3 लागले आम्हाला यायला। टेम्परेचर तर सांगायला झालं तर सध्या 4 टेम्परेचर आहे ना। आपला हॉटेल आहे, आजचा दिवस आपण इथं राहणार आहे। हा आपला आजच्यासाठी रूम, इथून विंडो आहे, इथून काही बाहेरचा व्ह्यू नाही येत। ही टी व्ही बघू का नाही माहीत नाही। हा बॉम्बिंग एरिया, हा शॉवर एरिया, दोन्ही एकसाथ वेल अँड क्लीन।